नमस्कार दोस्तों, कानपुर में GSVM मेडिकल कॉलेज में रशिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन के जो है ट्रायल शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, रशिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप भारत में पहुंच चुकी है और इसके जो ट्रायल्स है अभी जानकारी आई है कि गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर यहाँ शुरू हो रहे हैं या जो वॉलंटियर्स है उनका पंजीकरण चल रहा है और इस वैक्सीन का पहला डोज देने के बाद 21 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। रशिया की रिसर्च डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने हैदराबाद की कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ करार किया है और इसके अनुसार डॉक्टर रेड्डी भारत में इसके फेज 2 और फेज 3 ट्रायल शुरू कर रही है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़ को DCGI की तरफ से भी हरी झंडी मिली है, तो ये अच्छी बात है और इसके ट्रायल्स अभी कानपुर में हैलट हॉस्पिटल में शुरू हो रहे हैं। GSVM मेडिकल कॉलेज के डीन प्रोफेसर RB कमल, उन्होंने कहा है कि जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है। इथिक्स कमिटी ने भी जो है स्पुतनिक वी वैक्सीन को परमिशन दे दी है और जल्द इसके डोज जो है टीके लगना हैलट हॉस्पिटल में शुरू हो जाएगा। रशिया की RDIF ने डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ एग्रीमेंट किया है और इस एग्रीमेंट के अनुसार अगर भारतीय नियामक संस्थाएं भारत में इस वैक्सीन को अगर मंजूरी देती है ट्रायल्स के बाद, तो इसके 10 करोड़ डोज भारत को मिलने वाली है, तो ये अच्छी खबर है। दोस्तों, इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। धन्यवाद।